इसराइल और हमास के बीच जारी जंग से गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। इजरायली सेना के हमलों से गाजा में बर्बादी के निशान हर तरफ देखे जा सकते हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ये जंग नहीं रुकी है, बल्कि हर दिन तेज हुई है। जंग के बीच इजरायली सेना ने फिर से हमास पर कहर बरपाया है। इसराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। ईरान में हुए एक बड़े हमले में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ढेर हो गया। हानिया की मौत ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में हुई। इस्माइल हानिया मिसाइल अटैक में मारा गया है, वो तेहरान में रुका हुआ था। हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिया ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल होने के लिए तेहरान में आया था। हानिया जहां पर मारा गया वो ईरान का सबसे सुरक्षित इलाका है। राष्ट्रपति के घर से कुछ दूर ही हानिया का भी निवास है। इतना संवेदनशील इलाका होने के बावजूद वहां मिसाइल हमला हुआ। हानिया की मौत किस वजह से हुई उसकी जांच की जा रही है। इसमें कौन शामिल था या किसने प्लानिंग की थी ये भी पता लगाया जा रहा है। इस्माइल हानिया की हत्या से हमास भड़क उठा है। हमास ने इस्माइल हानिया पर इसराइल के हमले को कायराना हरकत बताया। हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इसराइल को सीधे चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। इससे पहले अप्रैल में इजरायली हमले में हानिया के 3 बेटे भी मारे गए थे।